Assalamualaikum viewers, welcome back another day, another vlog. तो आज मैं अपना गांव आपको दिखाऊंगा और कुछ इस तरह से हमारा गांव दिखता है, ये देखें माशाल्लाह, आपको यहां के बागात दिखाएंगे और अपना गांव, खूबसूरत गांव दिखाएंगे, विलेज लाइफ आपको दिखाई जाएगी और बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ और वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो लाइक सी करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो कुछ इस तरह से ये देखें जी, मूली बाग लगा हुआ है और मूलियाँ, शलगम, आगे सीज़न आने वाला है विंटर का और विंटर में ही जो है ना धूप में बैठ के बंदा मूली और शलगम जो है ना खाता है और जो है ना ये मूलियों का जो सीज़न होता है ये विंटर का ही होता है। और माशाल्लाह आपको दिखाते हैं, अभी इन्होंने लगाया हुआ है बाग, ये अभी स्टार्ट ही है। उसके बाद यहाँ पर पालक भी लगी हुई है, वो भी आपको दिखाएँगे। तो सीन कुछ इस तरह से है कि अपने मुल्क को प्रमोट करना चाहिए, अपने मुल्क को दिखाना चाहिए, अपने मुल्क ही दिखानी चाहिए खूबसूरती, अता के बाहर जाने से पहले अपना मुल्क पहले है, अपना मुल्क दिखाना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग यही इसी टॉपिक पे है। तो ये देखें माशाल्लाह आगे मैं चलता हूँ और इस तरफ भी बागात लगा हुआ है, बाग लगा हुआ है, उस आगे भी लगा हुआ है। तो अपने मुल्क की खूबसूरती दिखानी चाहिए और अपना देसी स्टाइल दिखाना चाहिए। तो मेरा तो कहना यही है, सबसे पहले हमारा मुल्क है और उसके बाद दूसरे मुल्क हैं। अगर बैरून मुल्क जाने से पहले कोई अगर व्लॉग वगैरह बनाता है, वीडियो बनाता है, तो उसको चाहिए कि अपना मुल्क पहले दिखाए। और ये देखें सामने, आगे चल के मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये है जी हमारे कार के साथ ही आगे हमारा खूबसूरत सा गाँव। चिड़िया चहचहाहट की आवाज़ आ रही होगी आपको। तो परिंदे जो है ना, दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए अपने मुल्क में और ख़ूबसूरती इसी लिहाज से ही होती है कि जितने दरख्त ज़्यादा लगाए जाएंगे उतने परिंदे और ये चीज़ें आपके करीब होती जाएंगी, आपके माहौल को अपनाती जाएंगी, आप माहौल उस माहौल में डाल जाओगे। तो ये है जी व्यूअर्स, कुछ इस तरह से हमारा गाँव, ये सामने बाग लगे हुए हैं, मूली बाग, मूलियों का सीज़न है, मूलियाँ लगी हुई हैं। उसके बाद जी आपको दूसरी साइड दिखाएंगे, उस साइड पे जाके दूसरी साइड आपको दिखाएंगे। बागात जो आगे जो हमारे घर से आगे शुरू हो जाते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं जी मकई का खेत और ये जी भाई साहब काम कर रहे हैं सामने इस खेत में, माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत सी जगह है। तो ये आपको दिखाते हैं जी और इनसे पता करते हैं ये ठेके पर लिया हुआ है या इनकी अपनी ज़मीन है, क्या सीन है यहाँ पर। और छलियाँ लगी हुई हैं, जिसने खानी है आ जाए। तो ये है जी भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ये अपना है या ठेके पे लिया हुआ है? नहीं भाई, ये हम तो इधर मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं जी, जी, जी। तो ये आप कहाँ से? ये हमारे बारा से, आरफाला से जी, जी, जी। तो जो है ना यहाँ पे किसी के पास काम करते थे क्या? इधर किसी के पास काम करते थे, उधर हालात नहीं ठीक थे पाकिस्तान की वजह से, आपको पता ही है। अच्छा अच्छा। और वो अपना इलाका छोड़ के इधर प्रदेश में मजदूरी कर रहे हैं आजकल। तो ये भाई साहब मजदूरी के लिए आए हैं, वो भी भाई साहब, क्या हाल है भाई, ठीक हो? तो मजदूरी के लिए आए हैं, तो पाकिस्तान के हालात आपको पता ही है, तो क्या सैलरी वगैरह देते हैं? सैलरी कुछ भी नहीं, बस सिर्फ गायों का दे रहा है या भैंसों का? तो कितने घंटे काम होता है आपका? हमारा ये 12 घंटे होता है। 12 घंटे काम, सुबह सुबह भी शाम भी, कोई पता। सुबह कितने बजे शुरू करते हैं? 5:30 बजे। तो पैसे वगैरह चोना ये सारा कुछ है सब। तो ये देखें जी पाकिस्तान के हालात आपको पता ही हैं, कहाँ से कहाँ बंदा जो धक्के खा रहा है। तो ये भाई दोनों आरफाला से हैं, तो मैंने कहा चलो इनके साथ भी वीडियो बना लें। तो अपने मुल्क को मैं पहले भी कह चुका हूँ प्रमोट करना चाहिए, अपने मुल्क की खूबसूरती को दिखा रहा है तो अपने मुल्क की दिखानी चाहिए, अपने मुल्क की जो है ना हालात दिखाने चाहिए। तो चले आगे, इन्हें जी घर में लगाई हैं सब्जियाँ, उसके लिए और जगह बनानी है तो उसके वो आपको दिखाते हैं जी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक हमने यहाँ पे और भी सब्जियाँ लगानी है, तो उसके लिए आपको दिखाते हैं। तो ये है जी सब्जियाँ जो पहले ही वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूँ, सामने भी लगाई हुई हैं। अब ये जगह काफ़ी जगह है, यहाँ पर हमने बाग लगाना है, ठीक है, सब्जियाँ और लगानी हैं। तो अम्मा जान ने कहा है कि ये जो है ना जगह आप बना दो और जो है ना यहाँ पे सब्जियाँ लगाऊंगा, अभी ये काफ़ी जो है ना बाग लगाएंगे। तो ये अब काम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं, ये सारा जो है ना ईंटें जो है ना हमने इनको यहाँ से रिमूव करना है। तो चलिए करते हैं जी स्टार्ट और ये काम करके आपको दिखाते हैं।
खेतों की दूसरी साइड पे मैं आ गया हूँ, और ये जी भाई साहब काम कर रहे हैं जी, हमारे प्यारे दोस्त भी हैं राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, क्या हाल है? ठीक है, पानी वगैरह लगा रहे हैं? तो कितने दिनों बाद लगाया जी खेतों को पानी? हफ्ते बाद। अच्छा, हफ्ते बाद लगाया पानी? तो हर हफ्ते के बाद लगाना पड़ता है या कितने पानी लगाओ? ये फसल पर होता है, जब पानी मांगे तब लगाओ। अच्छा, पानी मांगेगी जब, यानी कि आपको पता चल जाता है कि ये पानी मांग रही है, आ जाते हैं ना, फिर पता चल जाता है। उसके बाद नाज़रीन आपको एक और जो है ना चीज़ आपको दिखाएंगे, ये देखें, हर चीज़ जो है ना पानी के साथ ही निज़ाम चलता है, और इंसान भी पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। ये देखें माशाल्लाह जो है ना कौवे आए हुए पानी पी रहे हैं जनाब, परिंदे हैं। इसके साथ ही आपसे चाहेंगे इजाज़त, वीडियो लंबी हो जानी है, और मेरे मान चौहान का दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। हाँ, आपकी सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है, और आपके सपोर्ट के साथ ही हैं। हमारे चैनल खुजहान टीवी को सपोर्ट करें और इसको सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को क्लिक करें, और सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप पे इसे शेयर करें। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।